साथियों नमस्कार। आज हम बात करेंगे भाई दुबई से रिलेटेड। जी हाँ साथियों, ये दुबई से रिलेटेड फ्लाइट से रिलेटेड बात करेंगे। इसमें मैं बता दूं आपको साथियों, पता ही है सरकार ने वंदे भारत जो 3 है उसको एक्सटेंड कर दिया। हालांकि लोगों ने अफवाह उड़ा रखी थी ये बंद हो गया, काफ़ी सारे वीडियो भी आपने देखे होंगे, लेकिन बंद तो क्या होना था, 2 जुलाई तक तो ऑलरेडी पहले से ही था, लेकिन लोगों ने तो 13 दिन पहले ही भविष्यवाणी कर दी कि अभी वंदे भारत मिशन बंद हो गया। लेकिन हम बात करेंगे अभी जो 3 जो है उसमें फ़्लाइटें ऐड कर दी गई हैं, लगभग 550-600 फ्लाइटें ऐड करी हैं। उसमें दुबई से रिलेटेड भी भाई अच्छी फ्लाइटें मैं मान सकता हूँ, यूएई दुबई से रिलेटेड। मैं बता दूँ 23 तारीख का मैंने एक वीडियो डाला था, उसमें सबसे ज़्यादा फ्लाइट थी। जी हाँ साथियों, लगभग 28-30 फ्लाइटें भाई, पहली बार मैंने इतनी वीडियो एक साथ 28-30 फ्लाइटों का वीडियो एक साथ बनाया है। और आज मैं बात करूँ 24 जून की, अगर दुबई की बात करूँ तो भाई पूरे वर्ल्ड से इंडिया में लगभग 42 यानी 42 फ्लाइटों का, इंटरनेशनल फ्लाइटों का शेड्यूल है। तो पहली बार मुझे इतना लंबा वीडियो बनाना पड़ रहा है 42 फ्लाइटों का, वरना 20-22 इतना ही होता था। लेकिन गवर्नमेंट ने अच्छी बात है ये फ्लाइटों का शेड्यूल बढ़ाते हुए फ्लाइटों की संख्या भी बढ़ाई है। 23 जून को साथियों दुबई से इंडिया के लिए लगभग 10 फ्लाइटों का शेड्यूल था, आज 24 जून की हम बात करें तो भाई 7 फ्लाइटों का शेड्यूल है। मैं आपको बता देता हूं, वीडियो के माध्यम से पूरा देखते रहिए, आपका कौन सी में कैसे क्या नंबर आ रहा आप अपने हिसाब से ट्राई कर सकते हैं। साथियों जून में साथियों फ्लाइटों का शेड्यूल है, लगभग 7 फ्लाइटें दुबई से इंडिया के लिए हैं। जी हाँ साथियों, 7 फ्लाइटें एक कंट्री से ठीक ठाक हैं भाई, ज़्यादा तो नहीं बोल सकते, लेकिन 7 फ्लाइटें अगर पर डे 7-7 आएँ तो भाई सब लोग आ जाते हैं, फिर तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो 24 जून की हम फ्लाइट शेड्यूल के बारे में बात करेंगे, साथ में 23 तारीख को 23 जून का भी आज का बता दूं आपको, 23 जून का भी 10 फ्लाइटों का शेड्यूल था, 24 जून को 7 फ्लाइटों का शेड्यूल है। धीरे धीरे हम रोज फ्लाइट से रिलेटेड वीडियो बनाते रहेंगे। जो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन दबा के रखें, फेसबुक पेज वाले भी पेज को फॉलो जरूर कर लें ताकि विदेश से रिलेटेड सही इन्फॉर्मेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए शुरुआत करते हैं 24 जून फ्लाइट अपडेट। पहली बात करें तो भाई देखिए, यूएई दुबई से, जी हां साथियों, दुबई से दिल्ली के लिए फ़्लाइट है जो 9:50 में पहुंचेगी, इंडिगो की फ़्लाइट है। जी हां साथियों, इंडिगो की फ़्लाइट रहेगी। नेक्स्ट फ्लाइट फिर साथियों यही है, यही दुबई से ही है, दिल्ली और बिहार गया, 2 जगह की कॉमन फ़्लाइट रहेगी, 12:30 का शेड्यूल है। जी हां साथियों, आगे बात, ये भी इंडिगो की फ़्लाइट है साथियों। नेक्स्ट बात करें भाई, यूएई से अबू धाबी के लिए एक फ़्लाइट है, जी हां ये है साथियों, आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम के लिए 19:25 पे फ्लाइट पहुंचेगी, इंडिगो की फ़्लाइट है। जी हाँ साथियों, यात्री संख्या वही है 149-150 के करीब होती हैं, सब में 150 के करीब छोटे एयरक्राफ्ट होते हैं, तो 150 के करीब फ़्लाइटों यात्री आते हैं इसमें। नेक्स्ट फ्लाइट बात करें भाई यूएई से, ये साथियों आबू धाबी से, ये नेक्स्ट फ्लाइट भी केरला कोची के लिए, इसमें भी 149 यात्री शामिल होंगे, टाइम शेड्यूल भी सेम ही है। और आगे बात करें भाई, एक दुबई से फ़्लाइट है, यूएई दुबई से है, जी हाँ साथियों, त्रिवेंद्रम केरला के लिए 149 फ्लाइटों का शेड्यूल है। आगे बात करें भाई, दुबई से फिर एक फ़्लाइट है कन्नूर केरला के लिए, यूएई शारजा से, जी हाँ साथियों, शारजा से ये गोवा के लिए है, इसमें भी 149 फ्लाइटों का शेड्यूल है। जी हाँ साथियों, तो यार एक बात समझ में नहीं आई, कहा बोल रहे थे कि इंडियन गवर्नमेंट भी बोल रही थी कि केरला को इस बार कम फ्लाइटें दी गई हैं, लेकिन यहाँ तो सब उधर ही गई फ़्लाइटें हैं, 7 फ्लाइटें हैं इनमें से भैया आपके, तो 7 में से 2 दिल्ली के लिए, बिहार और दिल्ली कॉमन कर दिया, एक दिल्ली के लिए सेपरेट फ्लाइट है, एक गोवा के लिए दिए हैं, बाकी 7 में से 4 फ्लाइट उधर ही हैं, केरला की तरफ ही हैं। तो साथियों ये छोटा सा अपडेट था 24 जून का, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे फ्लाइट से रिलेटेड बात करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करने के साथ चैनल जरूर सब्सक्राइब करके रखें ताकि विदेश से रिलेटेड सही इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी, जय हिंद, वंदे मातरम।